हेलो दोस्तों, चलिए ये तो शुरू करते हैं आर ट्यूटोरियल्स का जो भी VFX लेसन्स का ये दूसरा पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में बोला था कि कैसे हम आफ्टर इफेक्ट्स में उसको इंपोर्ट कर लेते हैं सीन को, जो सीक्वेंसेस हमने बनाए थे माया में, तो उसको कैसे यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे एलिमेंट 3D की सहायता से, और कैसे हम टेक्सचरिंग करते हैं जो भी है टेक्सचर जो ऑलरेडी बनाए हुए हैं उसको यहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं। क्योंकि बहुत ही बार क्या है ना, बहुत ही मतलब कन्फ्यूजन होता है कि टेक्सचर कैसे, अगर टेक्सचर रहते भी है तो फिर यहाँ पे मतलब कैसे, कौन सा टेक्सचर कैसे कहाँ पे अप्लाई करना है। तो उसके लिए ये ऑलरेडी मैंने आफ्टर इफेक्ट्स खोल रखा है, जो वर्जन है हमारा 2018 का ही है। तो न्यू कंपोजिशन बोलता हूँ यहाँ पे, VFX ट्यूटोरियल एक मैं नाम देता हूँ ऐसे ही। तो ये बार भी ट्रांसफ़र मोड में है, तो चलो इसमें ये करते हैं। तो हमें एक नया यहाँ पे एक सॉलिड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सॉलिड जो बनाते हैं तो उसको हमें गॉडज़िला से नाम रख लेते हैं, वैसे जो भी नाम से एक तो नया यहाँ पे हमें एफेक्ट्स यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर हम यहाँ पे एफेक्ट्स में जाके तो जो ट्रैप कोड है, तो सॉरी या वीडियो कॉपर, सॉरी यहाँ पे है, तो एफेक्ट्स में जाके वीडियो को पैलेट का एलिमेंट है, तो आप ऐसे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो मैं वीडियो को पैलेट का ही एक प्लगइन यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैं अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल और स्पेस बार क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एफेक्स कंट्रोलर बोल के आई थिंक या उसी नाम से होगा, एफेक्स कंट्रोलर बोल के एक प्लगइन है। अगर आप ये भी वीडियो को पैलेट से ही है, अगर वो आप डाउनलोड करोगे और यहाँ पे अप्लाई करो, तो ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मतलब जो भी है बहुत ही क्विक हो जाएगा काम सब। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट अगर मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो फिर आ जाएगा वो। तो सीन सेटअप में मुझे जाना है, यहाँ पे पहले सीन सेटअप में जाके यहाँ पे फाइल में जाना है और इम्पोर्ट में जाना है और यहाँ पे 3D सीक्वेंस में जाना है। सो 3D सीक्वेंस में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये है मॉडल हमारा, और जो लास्ट जो हमने बनाया था, तो यहाँ पे गॉड वॉक डॉट ओबी जो भी सीक्वेंस है हमने वो फाइल नेम ऐसे ही हमने सेव किया था। तो मुझे सिर्फ ये इस पर क्लिक करना है जस्ट, और उसके बाद ओपन करना है। तो यहाँ पे डिफ्यूज़ मैप्स स्पेकुलर जितने भी है वो सब जो नॉर्मली जो भी यहाँ पे ऑन है वैसे ही रहेंगे। तो जस्ट आपको यहाँ पे ओके बोलना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये जो है मॉडल यहाँ पे गॉडज़िला का यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे ऐसे कोई 3D जो भी मुझे तो पता नहीं है आखिर कि एग्जैक्टली प्ले कैसे करते हैं एलिमेंट 3D में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे इसको मतलब एक सरफेस पे रखना है पहले। तो अब जो भी अभी रख भी सकते हैं या नहीं, मतलब ऐसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो चीज़ होने वाली है या जो भी इसकी जो एनिमेशन होने वाला है वो तो इंपोर्ट करने के बाद ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी इम्पॉर्टेंट होता है कि मटेरियल्स का इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कैसे अभी इसका मतलब टेक्सचर्स अप्लाई करना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे टेक्सचर्स का जो भी है लिस्ट देखेगा, जैसे डिफ्यूज़ है, ग्लॉसीनेस, रिफ्लेक्टिविटी, इल्यूमिनेशन, नॉर्मल बम्प मैप है, एंड ऑक्लूजन मैप है, एम्बिएंट ऑक्लूजन है, एनवायरनमेंट है, वो सब चीज़ें यहाँ पे रहती है। तो मेन तो यहाँ पे आता है डिफ्यूजन में। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो टेक्सचर चैनल आएगा, तो लोड टेक्सचर पे यहाँ पे जाना है आपको, जाके जहाँ भी आपने टेक्सचर्स रखे हैं, जैसे फोर्थ हमारा यहाँ पे टोटल फोर्थ में टेक्सचर्स है, मॉडल में जाना है, फिर टेक्सचर में जाना है। तो इस मॉडल के कुछ टेक्सचर्स हैं, कुछ डिफरेंट टेक्सचर्स हैं। तो यहाँ पे एक जो है मेन डिफ्यूज़ मैप जो है यहाँ पे ये है, और दो और डिफ्यूज़ मैप्स है, जैसे कि ये गॉडज़िला सैन फ्रांसिस्को वाटर का है, और ये जो है गॉडज़िला टोक्यो वाटर का है। तो ये डिफरेंट मतलब
रीजन के हिसाब से मतलब उसने किया होगा टेक्सचर्स, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को वाटर मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, तो मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि मैं ओपन करता हूँ एंड देन इसको मैं जैसे मैं ओके करूँगा, तो यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हो कि इसके ऊपर टेक्सचर ऑलरेडी अप्लाई हुआ है। तो आप थोड़ा पास में से देखोगे तो अप्लाई हुआ है, लेकिन इस पर और थोड़ा रियल कैसा दिखे, तो उसके लिए मुझे उसके बाद जो बम्प मैप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो बम्प मैप तो यहाँ है, नॉर्मल मैप जैसे बोलते हैं हम उसको, अगर हम ओपन करते हैं देन उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब जो डेप्थ है जो मॉडल में वो डेप्थ हमें यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है अभी मॉडल का डेप्थ है, तो वैसे भी ये जो है लो पॉलीगोनल मॉडल तो उतना मतलब उतना तो हमें ये नहीं दिखेगा इसका। एक ऑप्शन था हमें माया में ही, जैसे कि जो मैश है उसको हम स्मूथ कर सकते थे वहीं पे, तो स्मूथ करने से जो है तो नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स है वो ज़्यादा हो जाते थे, तो और यहाँ पे थोड़ा मतलब और थोड़ा जो है क्लियर दिख सकता था ये। तो चल छोड़िए, अभी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इल्यूमिनेशन का ये एक चैनल है हमारे पास जो ये है, इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ और मैं चेक करता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सा है। ओके चलो या तो ये वो तीन सिर्फ तीन ही हैं जो चैनल हमारे पास, एम्बिएंट ऑक्लूजन वो सब तो कोई है नहीं यहाँ पे। तो इस इतना होने के बाद तो यहाँ पे है अभी फिर भी इसका कलर जो है उतना उठ नहीं रहा, तो यहाँ पे जो है ये मेन होता है। जैसे आप यहाँ पे टेक्सचर्स को अप्लाई कर देते हैं फाइल के हिसाब से, तो यहाँ पे आके आपको डिफ्यूज का जो कलर है उसको आपको पूरा वाइट में रखना है। ओके तो कलर के हिसाब से ये जो है यहाँ पे इसकी कलरिंग हो जाएगी डिफ्यूज के कलर के हिसाब से, जैसे ही नॉर्मल कलरिंग जो बोलते हैं हम इसको ये करते हैं। तो मुझे मतलब वाइट जो है वो रखना पसंद है कि बाद में जो लाइटिंग है उसके ऊपर की जो कंपोजिशन है वो कलर करेक्शन हम इसके ही ऊपर हम कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो ये जो है जो दिख रहा है अभी मॉडल, ऐसे तो इतना हाई क्वालिटी भी नहीं है ये, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो है लो पॉलीगन वाला मॉडल है। तो जैसे ही ये हो गया इतना हमारा, तो जैसे हम यहाँ पे ओके बोलेंगे तो ये यहाँ पे दिखेगा। ओके तो जैसे कि अगर एलिमेंट 3D आपको पता है तो ये तो पहले ग्रुप में आ जाएगा ये सब चीज़ें। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं और पार्टिकल लुक है, तो ये पार्टिकल लुक में जो इसका साइज़ है, साइज़ निर्भर करेगा क्या है इसका साइज़, और यहाँ पे पोजीशन के हिसाब से हमें कहाँ पे रखना है इसको तो वो निर्भर हो जाता है। और अगर मुझे रोटेशन करना है इसको, तो यहाँ पे रोटेशन है तो मैं उसको रोटेट कर दूँगा कि कैसे मतलब किस पोजीशन में या किस एंगल में मुझे रखना है। तो रोटेशन तो सब चैनल का मतलब है एक्स वाई जी का, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे जब हम स्केलिंग करते हैं तो स्केलिंग भी सबके मतलब सही, यहाँ भी एक्स वाई जो है इसका सॉरी स्केलिंग बोल रहा हूँ मैं आपको, पोजीशन का जो है यहाँ पे एक्स वाई है और ये जो है जी चैनल है उसको थोड़ा आगे और यू नो थोड़ा पीछे जो है जेड स्पेस में हम थोड़ा पोजीशन में बिठा सकते हैं इसको। तो अभी जो हमें ये दिख रहा है एक्सक्यूज़ मी, तो ये नॉर्मली जो है हम एलिमेंट 3D से लिया हुआ मॉडल। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे पता नहीं मतलब आप अगर यूज़ किए हैं ये इस चीज़ को या नहीं। यहाँ पे अगर एंड में आ जाओगे तो कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि एनिमेशन इंजन है, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म, कस्टम लेयर्स है सब, लेकिन मुझे सिर्फ रेंडर सेटिंग्स है उससे मतलब है। तो यहाँ पे फिज़िकल एनवायरनमेंट, अगर आप कोई एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हो जैसे कि वीडियो हो या जो भी हो यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो हमें यहाँ पे जो है इस बटन को दबा के आप ये कर सकते हो। आपको मैं दिखाऊंगा वो कुछ एग्जांपल लेके। तो चलिए फिर लाइटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो मैं ज़्यादातर लाइट जो है सिनेमा यूज़ करता हूँ। ओके सिनेमा लाइटिंग यूज़ करता हूँ, जैसे कि हम ये कहते हैं लाइट फॉलोअप का जो है वो कैसा है,
और ब्राइटनेस जो है, ब्राइटनेस को अगर मैं ज़्यादा कर दूँ तो फिर उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी आप देख सकते हो ऐसा दिख रहा ही है। तो और रोटेशन जो है, रोटेशन में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आते हैं। जैसे ही रोटेशन मैं शुरू कर दूँ लाइटिंग की, तो मुझे कहाँ पे लाइट आगे से है, मतलब कौन से एंगल से लाइट यहाँ पे दिखती है इसके मतलब बॉडी पे, वो है। और ये जो है एक्स रोटेशन, ये सिर्फ लाइट की रोटेशन होती है और मुझे लगता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। और इससे क्या है, जब भी कोई अगर पीछे सीन रहेगा, आप जो भी वीडियो रहेगा या कोई इमेज आप यूज़ करते हो पीछे, और डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ से, मतलब जो सन है या कोई लाइट है उसमें, उस सीन में या कोई इमेज में, तो कैसे वो अप्लाई हुआ है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लाइट रोटेट कर सकते हैं आप। और यहाँ पे अगर लाइट्स में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लाइट हैं, वार्म है और स्पॉट लाइट है, या कोई सनसेट है, या कोई मतलब ड्रामेटिक है, ये ऐसे बहुत सारे। लेकिन मुझे अच्छा लगता है सिनेमा, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा क्लियरिटी बहुत ही ज़्यादा देता है सिनेमा जो है, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। नॉर्मली वो आपके हिसाब से, फिर आप पे निर्भर करता है कि आपको क्या यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं, एक मैं एक चीज़ यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, जैसे कि कुछ एसेट्स मैं यहाँ पे ले लूँगा। ओके, यहाँ पे या कुछ एसेट्स अगर सोच लो मैं, अगर कोई या चलिए अगर मैं ये थोड़ा लग रहा है कुछ हॉरर टाइप, या मैं ज़्यादातर हॉरर मतलब पसंद करता हूँ, तो अगर इसको मैं ले लिया यहाँ पे, जैसे सिंपली मुझे ये करना है यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ दिखाना है कि इसमें अगर मुझे ब्लेंड करना है, सोच लो अगर ये बहुत ही मतलब सिंपल सा तरीका है। वैसे तो मुझे दिखाना है आपको कि मैं इस चीज़ को कहाँ पे एग्जैक्टली मैं ब्लेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है शूट करके रखा है, तो मैं आपको दिखा दूँगा। तो अभी अगर, या जो मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा था यहाँ पे, फिज़िकल एनवायरनमेंट की, अगर यहाँ पे मैं ये एनवायरनमेंट अगर यूज़ करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसका थोड़ा जो है इस पर असर पड़ जाता है, जिस तरह की जो एनवायरनमेंट की लाइटिंग है वो सब इस पर थोड़ा ये हो जाती है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो ब्राइटनेस है बहुत ज़्यादा हो गया है, ब्राइटनेस को मुझे कम करना है जो लाइटिंग्स में है। तो वहाँ पे अगर मैं ब्राइटनेस कम करता हूँ तो फिर मुझे लगता है थोड़ा ये इस जो बैकग्राउंड है उसमें ब्लेंड होना शुरू हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे तो अभी सिनेमा है, तो यहाँ हम दूसरे कलर्स पे ही ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि सनसेट है। तो हाँ, मे बी ये जो है सनसेट का जो है इस पर थोड़ा जच रहा है लगता है, या स्टाइलाइज है, या आई थिंक स्टाइलाइज जो है वो लग रहा है कुछ कि इस मतलब जो भी ये पार्ट है बैकग्राउंड का, जो भी इमेज है उसमें ब्लेंड होता लग रहा है ऐसा कुछ। ये तो अभी हो गया, ये जो पार्ट हो गया है ये तो पूरा अभी लग रहा है कि हाँ चलो भाई कि ये तो हो गया। अभी जो एनिमेशन का पार्ट है, तो एनिमेशन का जो भी है ये आपको, ये टोटली एनिमेटेड है अभी। ओके, मैंने तो अभी मैं उसको प्ले किया नहीं है, अगर इसको मैं अगर प्ले करना शुरू कर दूं तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा हेवी है। वैसे तो कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं मेरे, तो फिर ये प्ले थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, लेकिन जो एनिमेशन आप देख सकते हैं कि वो स्लोली एनिमेट हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो चेक करते हैं कुछ 5 सेकेंड्स का कि कैसे एनिमेट होता है ये। जैसे आप यहाँ पे देखोगे,
तो अगर मैं फिर यहाँ पे आके फिर अगर मैं शुरू करता हूँ इसको, तो मुझे ये ऐसा लगेगा। आप देख सकते हैं ये तो फुल इसमें मतलब जो भी है, जो रेंडरिंग का जो रेजोल्यूशन है वो फुल रेजोल्यूशन में है। तो आपको एक क्वार्टर में भी रख सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने लिखा है, जो भी सॉरी मैं यहाँ पे जो रखा है, ये स्किप जो वन फ्रेम स्किप करने की मतलब आदत थोड़ा तो जागी आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं प्रेस करना शुरू करूँ इसको क्वार्टर में रख के, तो शायद ये थोड़ा आवे फास्ट आएगा, जबकि ये पूरा ओबीजे सीक्वेंस है थोड़ा ही बिगी रहेगा ये, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है एनिमेशन की मतलब इसमें, क्योंकि ऑलरेडी जो रिकॉर्डिंग है मेरा चल रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी ये अभी अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ या कुछ 20 सेकेंड के हिसाब से अगर मैं रखता हूँ इसको, 20 या 15 सेकेंड के हिसाब से, तो ये ऑलरेडी एनिमेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्किन है इसकी वो बहुत ही डिटेल्ड लगती है मुझे, क्योंकि मे बी टोपोलॉजीज का थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा इस मॉडल में, लेकिन यहाँ पे जो स्किन है वो बहुत ही बढ़िया दिख रही है। और इस मॉडल को हम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं वीडियो में। तो आई थिंक आपको पता चला होगा कि कैसे एग्जैक्टली एलिमेंट 3D को यूज़ करना है इफेक्टिवली, जो OBGs सीक्वेंस को कैसे यहाँ पे लेते हैं तो, और उसके बाद हम उसको कैसे यहाँ पे ब्लेंड करते हैं, और जो टेक्सचरिंग का पार्ट है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है। आई थिंक आपको ये सब पता चला होगा। तो धन्यवाद आपको जो आपने टाइम स्पेंड किया इस ट्यूटोरियल के लिए। तो मिलते हैं अगले हार्ड ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच।